तो देखिए बाबा हम बच्चों को इतना ऊंचा चढ़ाते हैं, हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, कभी भूलो मत इसने ऐसे क्यों किया, ये क्यों ऐसे करता, ये क्या करता, ये इसलिए हमारी बुद्धि में आता है जब हम ये भूल जाते हैं कि हर एक का अपना अपना पार्ट है, एक पार्ट न मिले दूसरे से, एक के अंगूठे की छाप न मिले दूसरे के अंगूठे से, एक का चेहरा न मिले दूसरे के चेहरे से, एक का डीएनए ना वो न मिले दूसरे के डीएनए से, एक का कर्म एक का भाग्य न मिले दूसरे के कर्म और भाग्य से। मानो कि कितना वैरायटी ये संसार है, जिसको बाबा कई बार उंगलियों में शब्द देते कुदरत। अब उस कुदरत को बुद्धि में रख करके हम इस बेहद ड्रामा का खेल अनुभव करें, देखें साक्षी होकर के, चाहे दुनिया के मनुष्यों का, चाहे अपने रावण परिवार का भी। क्योंकि न जाने कितने क्या किस जन्म के हिसाब किताब किसके साथ जुड़े हुए हैं, हम ऐसे सामने से कुछ नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए कहा जाता है कर्मों की गति अति हुई है, कर्मों की गति बहुत गहन है और साधारण इंसान कर्मों की गति को नहीं समझता है, इसीलिए उसके मन में प्रश्न उठते हैं, ये क्यों ये कैसे ये क्या। और अगर ये बुद्धि में आ जाए, समझ आ जाए कि हर एक का हिसाब किताब अपना है, एक का नहीं मिलेगा दूसरे से, तो कभी भी हम ये संशय नहीं उठाएंगे ये क्यों ऐसे कर रहा है, ये उसका पार्ट है। और बुद्धि को फुल स्टॉप लग जाएगा, जिसको हम कहते हैं परिवार में निश्चय।